ਗਿਆਲੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਫ ਸੀਸੀ ਲੱਗਣਾ ਵਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 16 17 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 40 ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਸੀਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆ ਵਾ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਨੇ ਉਮਰ 1 ਮਹੀਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਹੁਣ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ डेढ़ महीना दो महीना उम्र कोई छोटे भी है बच्चे छोटे बच्चे छोटा यार भी सीसी ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਆ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਕਿਸੋਂ ਬੜਿਆ ਤੇ ਭੱਜੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਅਭੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਰਹਾ ਸੀ ਓਏ ਲੜਿਆ ਸੀ ਕਪੜੇ ਨਾ ਫਾੜੇ ਆ ਛੋੜ ਦੇ ਐਵਰ ਮੈਕਟਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੀਸੀ ਜ਼ੇਰੇ ਜਿਲਦ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਵਕਤ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ जिनकी उम्र एक माह से दो माह तक किसी इंसान नींबू नाल बन दो करे ना शिकंजवी ठंडी ये टीका ठंडा करके लगाना होता है गरम का फायदा नहीं होता तो गरम ठंडा इन्होंने इससे किया हुआ है दिखाओ फिजान ये बर्फ पानी के दिन काम ने रखा हुआ है साफ साफ ये नहीं नहीं साफ नहीं किया आज इन्होंने सारा दिन रखा है इस तरह ये भी ठंडा रहेगा ना गरम नहीं होना चाहिए इसे ये खाल के नीचे एक सीसी मुझे भी नहीं देखो ये चुप था टीका एक चुप रहा घोड़ा इन लग गया लग गया पकड़ो पकड़ो छापर पकड़ो रान यार यार बाहर कट दे इन बच्चों को टीके लग गए उसके अंदर हम्म
थोड़ी जालियां खोल लो थोड़ा खोल लो कल मैंने वैसे ही थोड़ा खाने में देखा ना एक बकरी शाबा खा रही पकड़ते पकड़ते उसने पूरा हजम कर दिया अभी भी एक बच्चा शाबा खा रहा है और था भी प्लास्टिक का ऐदा नहीं चाके ले चाके शाबा प्लास्टिक का ही होता है अब वो थोड़ा थोड़ा उस टिक किस्म का था हाँ जी है काम ठीक है खिंचना नहीं जाली खुली करनी है एक बंदा देखने आया था ना तो उसके साथ उसको फॉर्म दिखाने गए तो उधर ही बकरी नजर आ गई पकड़ते पकड़ के खाई नहीं ये तो थी छोटी सी वीडियो जिसमें आपको बताया एवरमेक्टिन लगाने का तरीका एक से दो माह के बच्चे एक सीसी एवरमेक्टिन दे रहे जल ठंडा करके लगा रहे ये जरूरी होता है वरना अगर जानवरों को जुए चिचड़ पड़ जाए तो फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है हर तीन माह बाद हर तीन महीने बाद ना हाँ जी हर तीन महीने बाद बड़े जानवर सर लगा रहे हैं हम और इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं ना इसको तकरीबन ना 20 दिन के बाद लगता है 15 से 20 दिन के अंदर लग जाता है और फिर उसके बाद जब हमें प्रॉब्लम बने ना फिर भी हम लगा देते हैं एक माह डेढ़ माह अगर स्प्रे वगैरह ना हो और ये जुए चिचड़ों का मसला जाता है वैसे हम दो माह के बाद रिपीट करते हैं फिर तीन माह रेगुलर शुरू कर देते हैं इसका फ़ायदा ये होता है कि जितने भी ओजरी में कीड़े होते हैं और जेरे जल्द जितने भी कीड़े होते हैं उनको ख़त्म कर देता है ठीक होगा अगर ओजरी में कीड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हो तो आप डिवर्मिंग ना कर सकते हैं इंजेक्शन आप पिला भी सकते हैं ये तो थी एवरमेक्टिन की वीडियो इसमें तकरीबन आपके जो वेट का फ़र्क है ना ये अगर आपका जानवर एक माह में 5 kg कर रहा है तो उसको जीए और चिचड़ों का मसला नहीं तो वो 3 kg ज़्यादा करेगा 8 kg करेगा अगर उसको मसला होगा तो वो 3 kg कम करेगा।